नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के बहोरीबंद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बहोरीबंद में भारत सरकार द्वारा संचालित दलहन टर्फा योजना के तहत कुछ किसानों को चना और सरसों के बीज का वितरण किया गया, जिसमें किसानों को किस योजना के तहत चना बीज उपलब्ध कराने पूछा गया। तो बहोरीबंद कृषि विभाग में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि केवल कृषि विभाग को छोड़कर सभी जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसानों ने बताया कि चना बीज के लिए राशि ली गई, जिसकी रसीद साहब ने ले लिया है और हमने नकद राशि भुगतान किया है। एक तरफ किसानों ने बताया कि जहां चने की खेती करते हैं वहां के किसानों को चना बीज उपलब्ध नहीं कराई गई। किसानों ने बताया कि यह बीज वितरण दिखावा साबित हो रहा, कृषि विभाग में सही वास्तविक किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता, किसानों के साथ हमेशा खिलवाड़ भी किया जाता है। कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से अपने पद का इस्तेमाल कर अपने आप को ईमानदारी का दिखावा करने का प्रयास किया जा रहा है। संवाददाता पप्पू उपाध्याय। ये क्या नाम है आपका? दयाशंकर पटेल। कहाँ के? सिंदूरी सी। ओ, ये कृषि विभाग जो आज आए हुए हैं, किस काम से आए हुए हैं? ये चना लेने आए थे। तो उसमें कितनी शुल्क वगैरह ली गई? 860 रुपए लिया गया है 60 किलो में। एक बोरी का? दो बोरी। अच्छा, तो उसमें रसीद वगैरह? रसीद मिली है ना आपके पास? है रसीद? जमा हो गई है यहाँ। कहाँ पे? ये जहाँ दे रहे हैं। तो रसीद वहाँ से कोई रसीद नहीं मिली? जो पैसा आपने दिया है कोई नहीं मिली, उसकी रसीद नहीं मिली? नहीं। क्या बोले आप लोगों ने? रसीद मांगा नहीं उनसे? नहीं। क्यों? कितने एकड़ में किसानी करते हो? कितने एकड़ में किसानी करते हो? 4 एकड़ में। तो उसमें किसके नाम पे है जमीन ये जो केस बना है? मेरे नाम पे है। क्या नाम है आपका? दयाशंकर पटेल। आज जो ये कृषि विभाग में जो किसान जवामड़ा हुआ है, इसमें क्या कहेंगे, किस योजना के तहत? भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन टर्फा योजना के तहत और MNOOP योजना के तहत चना बीज और सरसों बीज का वितरण किसानों को किया जा रहा है। इस योजना प्रावधान के तहत किसान को एक एकड़ चना लेने में, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 2400 रुपये है 30 किलो की बीज की कीमत, 430 रुपये कृषक अंश जो शासन द्वारा निर्धारित है लेकर के उनको दिया जा रहा है। साथ ही सरसों गिरिराज NSC का प्रमाणित यह बीज बाजार में काफी महंगा मिल रहा है, लेकिन 60 रुपए किलो गवर्नमेंट द्वारा कृषक अंश निर्धारित किया गया है, वो राशि लेकर किसानों को वितरित की जा रही है। और ये जो वितरण है, ये जनपद पंचायत के द्वारा जो प्रस्तावित सूची हमें प्राप्त होती है बाईलॉज, उस सूची के आधार पर उन किसानों को यहाँ पर जनपद पंचायत के द्वारा भेजा गया है और कृषि विभाग उसका वितरण कर रहा है। तो जो ये राशि जमा करवाई जा रही है किसानों से, इसकी रसीद वगैरह देते होंगे किसानों को? कृषक अंश तो गवर्नमेंट के खाते में चालान द्वारा जमा होगा। तो उसकी रसीद वगैरह? रसीद कट्टा तो हमारे पास अभी तक आज तक नहीं मिला है, लेकिन पेपरों में छापिए आप, प्रकाशन करिए, फर्जी है ही नहीं, इसलिए कि 100 बक्का एक लिखा। आपको कैसे एहसास हो गया कि फर्जी वाला, मतलब फर्जी शब्द कैसे आपने अपनी जबान में? नहीं, मतलब जैसे आपने कहा कि रसीद, तो रसीद का हमारे पास अभी तक आई नहीं रसीद, तो हम कैसे दे देंगे? नहीं, नहीं, लेकिन जो कृषक अंश है वो कृषक अंश के खाते में लिखा जाता है और उसका टोटल जो अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट खाते में जमा करेंगे चालान द्वारा। यही बात यदि आप अच्छे शब्दों में बता दें कि मतलब फर्जी का जो आपने नाम ले लिया, इसमें तो संदेह स्थिति। अरे भैया, कृषि विभाग को छोड़ दो तो सब तरफ फर्जी ही चल रहा है। तो ऐसा कहाँ का, कौन कौन से ऑफिस में, कौन कौन से विभाग में चल रहा है? हमको पता नहीं। तो आपने कैसे मतलब बता जो हल्ला हो रहा है? कैसा हल्ला, किसने हल्ला मचा दिया, कब मचा दिया? अरे कुछ नहीं यादव जी, कुछ हल्ला नहीं हो रहा है। तो आपने ये जो दोषारोपण लगाया, कौन से विभाग में आप, ऐसे कोई प्रमाण है फर्जीवाड़े का? किसी विभाग में कोई फर्जीवाड़ा नहीं। नाम क्या लिखते हैं अपना? आरके चतुर्वेदी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बहोरीबंद। कौन कौन सी पंचायत में आज ये बता? सिंदूर सी,